हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि आज 17th ऑफ मार्च है और आज से एसएससी सीएचएसएल टायर वन का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स काफी जरूरी हो जाता है कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, हर शिफ्ट जो जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है उसके क्वेश्चंस भी आप तक पहुंचते रहें। तो इसलिए हम लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो में 17th ऑफ मार्च को पहले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उनके आंसर के साथ और हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि आप जिस भी लैंग्वेज में आपको सुविधा हो आप समझ सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है और आपके लिए समय काफी कीमती है, मुझे भी पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो था कि हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई। आपसे बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, चेयरमैन के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो था वो आपका साइंस से आया था, ये पिछला वाला तो स्पोर्ट्स का हो गया और ये साइंस का आया था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी एंड सी। तो अगर स्टूडेंट आपने पिछले साल के क्वेश्चन बनाए होंगे तो पिछले साल भी ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ था और इस साल भी होगा, तो आप इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब इसमें पूछ दिया शिफ्ट वन में तो अब शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री में नहीं पूछेगा या फिर अगले दिन नहीं पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन सारे जीके शिफ्ट के जीके क्वेश्चन आप जो है देखते रहो। फिर अगला क्वेश्चन एक ज्योग्राफी से आया था और वो था कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा? माजुली ब्रह्मपुत्र। तो माजुली ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया वर्ल्ड का पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर ये बायो पे आ गए हैं, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के सारे सब्जेक्ट से जीके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहाँ एक बायो से क्वेश्चन आया था कि फ्लैजेला जो होता है वो किसका ऑर्गेन होता है, फ्लैजेला जो है वो किसका अंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके ऑर्गेन है फ्लैजेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से और ये क्वेश्चन था टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड एट। तो ये आपसे पूछा गया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सासाराम जिले में जो कि बिहार स्टेट के अंदर आता है, तो यहाँ पे स्थित है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और मैं बार बार आप लोगों से कहूंगा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हो उसे या तो नोट कर लो आप, या तो मेरे क्योंकि चैनल पे वीडियो होगा तो आप बार बार आके भी देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप रिवाइज करते रहना। अपने एग्जाम आपका जब भी होगा उससे पहले सारे पिछले शिफ्ट के क्वेश्चन रिवाइज करके जाना क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपके काफी सारे क्वेश्चंस जीके के उससे सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था अभी कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उनमें जो बुनियादी इकाइयां हैं वो कितने हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने हैं। तो इसका आंसर होगा कि 7 बेसिक यूनिट हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आया था विच रूलर बिलोंग्स टू चोला डायनेस्टी। तो ये जो आपका चोला राजवंश था उससे किस शासक का संबंध था और चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो इसमें एक आंसर जो होगा वो होगा राजेंद्र चोला। तो राजेंद्र चोला आपको लग रहा होगा ऐसा कि ऑप्शन में चोला देख के हम मार देते, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शंस में और भी चोला करके ऑप्शंस होंगे, तो आपको सही उत्तर मारना है और तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है जब तक आप कंफर्म ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था वेट ऑफ चंद्रयान, पिछला क्वेश्चन हिस्ट्री का था और ये क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हो कैसे साइंस पे आ गया है। क्वेश्चन था कि चंद्रयान 2 का वजन कितना था, तो इसका आंसर होगा 2379 किलोग्राम, 2379 किलोग्राम्स जो है वेट ऑफ चंद्रयान टू का वेट है। अगला एक क्वेश्चन आया था कि ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, आपसे पूछा गया था कि ओजोन दिवस, ओजोन आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से, तो ओजोन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा O3 फॉर्मूला भी होता है, O3 गैस से बनता है ओजोन, और इसको किस दिन के लिए किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी फायदेमंद है हमारे लिए, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए ओजोन के प्रति हम 16 सितंबर हर साल के 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था CEO ऑफ यस बैंक, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से आप कह सकते हैं या फिर आप जनरल करेंट अफेयर्स से कह सकते हैं क्वेश्चन कि यस बैंक का CEO कौन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रवनीत गिल हमारे यस बैंक के CEO हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया था EEG इज यूज टू मेजर, आपसे पूछा गया था कि जो EEG का होता है इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक जो है वो किस चीज को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रेन फंक्शनिंग। जो भी मरीज को मतलब किसी भी कोई भी परेशानी होती है दिमाग में
तो उनका ईईजी किया जाता है ताकि उनके जो फंक्शनिंग है उनके ब्रेन की, उनका ब्रेन जो सही से काम कर रहा है या नहीं वो पता लगाया जा सके। एक क्वेश्चन अगला आया था, विच स्टेट इज मेंटेन्ड सॉरी विच स्टेट इज मेंशनड इन सिक्स स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में के छह अनुसूचियों में किस राज्य का उल्लेख है? तो ये आपसे पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा, इसमें चार आपके आंसर होंगे और वो कौन कौन सा होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आपसे जो है वो ऑप्शन दिए गए और उसमें आपको एक सही करना था। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन था कहाँ से, ये क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी से। आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे और कौन से क्वेश्चन आए थे। तो उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से लेके आपका जब तक एग्जाम है सारे आपको शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ मिलते रहेंगे, जीके क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ यहाँ मिलेगा। और इवन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है आपको सारे सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, हेल्प की जाएंगी। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या था, यूनिसेफ वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन, आपसे पूछा गया था कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ अगर आपको पता हो क्या होता है, क्योंकि हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूनिसेफ क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे दोबारा भी, तो इसे आप बिल्कुल रट लीजिए। और ऐसे ही आप देखोगे कि आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हेडक्वार्टर से रिलेटेड, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो हम आपको आगे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आया था आपका ज्योग्राफी से वापस, वाटरफॉल लोकेटेड ऑन शरावती रिवर, जो आपका शरावती रिवर है, नदी है, उसके किनारे में, मतलब उसके किनारे या फिर कह सकते हैं आपकी कौन सा वाटरफॉल वहां लोकेटेड है। ठीक है, स्थित झरना जो सरस्वती नदी के पर स्थित है, उसका आंसर क्या होगा, जोग फॉल्स, कर्नाटका। तो कर्नाटक में सरस्वती रिवर है और जो वाटरफॉल यहाँ पे है उसका नाम है, जो यहाँ पे झरना है उसका नाम है जोग फॉल्स। अगला एक क्वेश्चन आया था, सचिन तेंदुलकर मेड हिज फर्स्ट सेंचुरी इन विच मैच। तो इसमें क्या हुआ कि आप लोगों में से बहुत लोग, चार ऑप्शंस दिए होंगे आपके, किसी में होगा पांचवा मैच, किसी में होगा दसवां मैच, लेकिन यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने 79th मैच में अपना पहला सेंचुरी बनाया था। भले ही उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता हो, लेकिन शुरुआत जो हुई थी उनके शतकों की वो काफी देर बाद हुई थी, और 79वीं जो 79th मैच है उसमें उनकी पहली सेंचुरी लगी थी। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से हो गया। अगला एक क्वेश्चन आया था, लेटराइट सॉइल इज रिच इन, ये आप देख सकते हो कि फिर से आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया कि लेटराइट मिट्टी जो है वह किस चीज में समृद्ध है, मतलब क्या उसमें क्या पाया जाता है काफी अमाउंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आयरन, लोहा। लोहा जो है वो लेटराइट सॉइल में काफी बड़े अमाउंट में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया है, वन निब्बल इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा गया कि एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 बिट होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता था कि आपका जो है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता था। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो ऐसे ही आपसे MB, KB, GB सब कुछ से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि 1 KB में 1024 जो है बाइट्स होते हैं, फिर 1 MB में 1024 KB होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बहुत आसानी से मार्क्स दिला के चले जाएंगे। फिर अगला एक क्वेश्चन आया था, हम 18वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड इन, मैंने अभी अभी बात की थी कि ओजोन लेयर जो ओजोन का एक लेयर बना होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ये स्फीयर आप कह सकते हैं कि किस परत में, ये वातावरण की किस परत में एब्जॉर्ब होता है, तो उसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन लेयर जो है वो किस परत में पाया जाता है, तो इसका आंसर भी होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन फिर से बने हैं, और इसी को आपको दो तीन तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये। अगला क्वेश्चन आया था, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन,
ठीक है, पूछा गया था आपसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, हमने जो वीडियो अपलोड की है वहाँ पे राष्ट्र और उसके राष्ट्रपतियों की, वो आपने जरूर देखा होगा या फिर खुद से भी आपने तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हॉट टॉपिक होता है। और आपसे देखिए आज यूक्रेन का पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। ठीक है, ऐसे ही आप और भी देश जो है, फ्रांस हो गया, जो यूएन हो गया, यूके, यूएन माफ करिएगा, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यूके हो गया, और आपका जो भी चाइना, जर्मनी, जितने भी देश हैं जो खासकर इम्पोर्टेंट हैं, उन सबके आप जरूर याद कर लीजिए, जो प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फिर अगला एक क्वेश्चन आया था लोकसभा सीट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं, तो इसका आंसर होगा 80। मैं आप सभी को, क्योंकि आप लोकसभा पार्लियामेंट से रिलेटेड सवाल है, पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप जाके देख लो कि इंडिया में कितने लोकसभा सीट हैं, ठीक है, राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, फिर अगर आपको समय मिले तो आप अपने स्टेट्स या फिर आसपास के जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे आप इन सब के कितने लोकसभा सीट हैं वो याद रख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बार बार देखने को मिलेंगे, तो आप ये ध्यान रख लीजिए। और आपने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सेक्शन से पूछा गया हो, सारे सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और ये शिफ्ट वन के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आपको शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री के क्वेश्चन भी शाम तक आपको मिलेंगे, और हर रोज शाम को आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चन ऐसे ही तैयार मिल जाएंगे, जीके के जो भी रीजनिंग या फिर मैथ्स होंगे वो सब मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी इशू हो रिलेटेड एग्जाम से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका हेल्प करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, उम्मीद यही करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और घंटी का निशान, एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर दें आप, ताकि जो भी हम आगे वीडियो अपलोड करते रहें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और आपको बिना किसी परेशानी के वो वीडियो तुरंत मिल जाए और आप अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम भी आपका हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।